जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया ऐलान, लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को नहीं करेंगे समर्थन। इस ऐलान से पहले राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। हरियाणा के नूह के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर देर रात हुआ दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी एक बस में अज्ञात कारणों से अचानक लगी आग, आग की चपेट में आए 20 से ज्यादा लोग, हादसे में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के बीच अब आंधी तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने लातूर और नांदेड़ जिले में 3 दिन का जारी किया है अलर्ट, 21 मई तक तेज हवाएं, तूफान और हल्की बारिश की आईएमडी ने जताई है चेतावनी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का लगाए गए आरोपों पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा इस मुद्दे को चुनाव के दौरान दी जा रही है राजनीतिक हवा, उम्मीद है सच्चाई जल्द ही आ जाएगी सबके सामने। महाराष्ट्र के भिमंडी में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, कहा अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो जेल में होंगे विपक्षी नेता, वैसे तो सरकार नहीं बनेगी लेकिन अगर बनी तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे होंगे जेल में।